देखो देखो जरा अपनी माँ को, वो सगा भाई है मेरा, वो हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ कैसे हो सकता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले 5 साल भाई से दुश्मनी करके खराटे मारते रहे, नींद की गोलियां खाएं और बस सो जाएं। अम्मी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। फराज मैं नोट कर रही हूँ, कुछ दिनों से तू बड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा है मेरे साथ। इस वक्त मुनीर जी इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी निदा पुत्र वहां हो, सगी औलाद है, इसके मैके वालों ने कहीं यतीम खाने से नहीं उठाया इसको। हालत देखो इसकी, रो रो के हलकान हो गई है। कोई कहीं नहीं जा रहा, रात के 2:30 बज रहे हैं, अश्वी ने सख्ती से मना किया है। अब भी तो मुनीर जी को कह रहा था कि राइड में करवा देता हूँ बुक, हैं? अश्वी बड़ा सुपरिंटेंडेंट लगा है हॉस्पिटल का, जो वहाँ से ऑर्डर करता फिर रहा है। ठीक है चले अंदर चलते हैं। जब तक निदा पुत्र यहाँ है मैं इसके साथ हूँ, समझ आए? मैं हिल नहीं रही, मेरी मेरी तीर आनी। बाबा आप ठीक है ना? ठीक हूँ। हाय अल्लाह, रात को तो शजी साहब आपने मेरा बिल्कुल तरा ही निकाल दिया था। तनु याद है मेरा तरा निकला था? वो केमिस्ट्री टीचर कौन थी, मिस जुबैदा शफीक, उनके पर्स में जो मैंने डाला था ना वो नकली छिपकली। हाय मुझे कैसे भूलेगी सलीका है, कैसे कस के उन्होंने तेरी बूथी के ऊपर चपेड़ लगाई थी, आज तक मुझे याद है। तुझे बड़ा मजा आया था ना मेरी सूजी बूथी देख कर, तू शुरू से चिस्कोली थी। अरे खुदा के लिए हम भाइयों को भी कोई आपस में बात कर लेने दो। हाँ हाय मुनीर जी, हमने कुछ समझ बॉन्ड लगाई भी आप लोगों की जबानों को, हैं? दे ताली। तुझे पता मैंने तुझे बड़ा मिस किया है, जब मैं शॉपिंग करने जाती थी ना तो मुझे तेरी बड़ी याद आती थी सलीका, तू ऐसे चुन चुन के कट पीस निकाला करती थी, मुझे तो आती ही नहीं। मुझे भी सिर्फ शॉपिंग मिस करती थी ना, और भी। अम्मी आप लोग बाहर जाके कर लेना ये बातें। अरे वाह वाह वाह, मेरी मानो बेटी अपने बाबा के लिए सूप बना के लाई है, शाबाश। ना मेरी बात सुन मानो, डॉक्टर से पूछ के बनाया है ना? 100% आई अम्मी, बहुत मजे का है। तनु इसे कह दो मुझे नहीं पीना। बाबा मैं कुछ और बना के ले आऊं आपके लिए। अरे भाई डॉक्टर से पूछो कब डिस्चार्ज कर रहे हैं मुझे। अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे आपको। अम्मी मैं घर जा रही हूँ। मैं छोड़ आता हूँ इसे। ओए क्यूट ना, देख कैसे लीला बन के उसके पीछे पीछे फिरता है। अल्लाह नजरे बद से बचाए दोनों को, मुझे तो लगता है फराज से भी बड़ा जबरदस्त हो गया। नूर क्यों उलझ रही हो खुद से? तुमने बाबा का एटीट्यूड देखा था? तुम अपने बाबा को छोड़ो, अपना बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बहुत जल्द दूर हो जाएगी तुम्हारी भी कंफ्यूजन। अच्छा